राजा के सैनिक किले से बाहर राज्य की तो रक्षा करते थे, लेकिन महलों के अंदर बैठी रानियों का सीसे और किन्नरों से क्या संबंध था, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। अभी हम अंदर चले, थोड़ा देखते हैं। इसमें बहुत ही स्मॉल रास्ते हैं। अच्छा सर, ये पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है क्या महल? यस, पूरा महल अंडरग्राउंड वाला है। कितने मंजिलें होंगी सर नीचे? इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फ्लोर बेसमेंट है। अच्छा, कि राजा महाराजाओं की हाइट पर्सनलिटी तो अच्छी होती थी, राजा वही बन सकता था जो हाइट पर्सनलिटी में अच्छा होता था। बिल्कुल, पर राजाओं के लिए कुछ रूल बने हुए थे। हम कभी छुप के वाइट नहीं करेंगे, फाइटिंग छुप के नहीं कर सकते, रात को कभी नहीं लड़ेंगे, नहत्थे पर बार नहीं कर सकते। मगर उस समय रानियों की सुरक्षा के लिए महल में कुछ किन्नरों को रखा गया था। अच्छा, तो किन्नर इतने फाइटर तो होते नहीं थे। अगर कोई मुगल या जो भी रात को फाइट करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी इधर आते थे, उनकी सुरक्षा में किन्नर तैनात होते थे। अच्छा, तो जैसे ही गर्दन झुका के प्रवेश करते थे, उनकी गर्दन को किन्नर काटते थे। इसलिए इसमें छोटे गेट है, ना तो राजा छोटे थे ना उनकी रानी छोटी थी। राजा अनलिमिटेड शादी भी करते थे, तो शादी करने में उनकी दुश्मनी बहुत बढ़ जाती थी। तो कोई दूसरी रियासत का राजा किसी दूसरी रानी पर अटैक करेगा तो डायरेक्टली डायरेक्शन न बना सके। तो इसलिए महल के अंदर आप देख पा रहे हैं, इसमें जितना भी डायरेक्शन दिया हुआ है वो क्रॉस में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बाहर का अगर कोई व्यक्ति शूट करता है धनुष की या तलवार कुछ से, तो उसका सेंटर डायरेक्टली यहाँ बनेगा, मगर इसका धनुष का तीर अंदर नहीं जाएगा। अच्छा। इसलिए महल के अंदर जितना भी रोशनी आता है ना, यहाँ लेफ्ट राइट में मिरर थे, तो यहाँ भी लेफ्ट राइट में मिरर थे, तो वहाँ की रोशनी टकरा के यहाँ से अंदर जाएगी। क्या ये भी बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है, क्योंकि नीचे की साइड में थोड़ा सा गोल देख पा रहा हूं? सेम वही कंडीशन है, यहाँ से गोल से नीचे रिफ्लेक्ट होकर रोशनी जाती थी, क्योंकि नीचे भी हम जाएंगे वहाँ रानियों का नहाने का स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। उसी के जस्ट नीचे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे ये आप देख पा रहे हैं, इसमें गोल गोल जो आकृति बनी हुई है, इनमें कुछ डायमंड शेप वाले मिरर लगे हुए थे। पहली बार दूसरी रियासत का सेल्जर या सैनिक जब इस महल के अंदर एंट्री करता था, उनको अपने फेस के बारे में इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था, क्योंकि हर किसी के पास कुछ इस टाइप के डायमंड शेप वाले मिरर या सिंपल मिरर भी नहीं थे, राज महाराजाओं के पास ही होते थे। पहली बार इस महल के अंदर आने के बाद वो बहुत कन्फ्यूज हो जाता था। तो मतलब ये थोड़ा सा भूल भुलैया वाला भी अपना काम करता है। ये महल अपने आप में एक भूल भुलैया भी है। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करूं तो बिल्कुल सिमिलर सा लगता है, बिल्कुल सेम लगता है सारा सारा। बहुत शानदार। किले के अंदर वाली साइड में आप दोस्तों देख सकते हैं, ये जो जगह है अंडरग्राउंड, यहाँ पर पुराने जमाने में जैसे जो सैनिकों के हथियार होते थे या तोप होती थी या जो उनके बारूद वगैरह होते थे, उनको स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता था, ताकि आसानी से उनको यहाँ से निकाल के किले की सिक्योरिटी की जा सके। और ये वो तोप हैं दोस्तों जिनका प्रयोग किले की सिक्योरिटी के लिए जरूर किया जाता होगा। अभी वर्तमान में सिर्फ ये प्रदर्शनी के लिए, दिखावे के लिए यहाँ पर रखी गई हैं, अभी इनका कोई भी प्रयोग नहीं होता है। ये इस गेट को बोला जाता है हाथी दरवाजा। हाथी दरवाजा इसलिए क्योंकि इसमें जो आवागमन होता था राजा का, वो हाथी के द्वारा होता था, यानी कि यहाँ हाथियों से राजा आते और जाते थे। इस पहले विशाल गेट को देखे, पहले इसके किवाड़ देखे, उसी जमाने के लकड़ियों के किवाड़ हैं जो कि आज भी सही सलामत हैं। अंदर की तरफ हम इसकी एंट्री करते हैं, इन किवाड़, जैसे ही इन हाथी गेट से अंदर की तरफ हम एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक चढ़ाई नुमा है जिससे चढ़ के हम ऊपर की तरफ जाते हैं। इस चढ़ाई का मकसद है दोस्तों, यदि कोई दुश्मन इस किले में एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ऊपर से बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको फेंक दिया जाएगा, ताकि उनके जो, यदि वो घोड़े से की सहायता से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो उनको मार गिराया जा सके। इधर एक और मैं आपको कमाल का दोस्तों इसमें सिक्योरिटी सिस्टम दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो चौड़ी चौड़ी आप दीवारें नजर आ रही हैं आपको किले के फ्रंट साइड में, यहाँ पर पुराने जमाने में तोप रख के जो दूर से दुश्मन आता है उसको टारगेट किया जाता था, ताकि उसको वहीं पर नष्ट किया जा सके, उसको वहीं पर मार गिराया जा सके। इस महल का कुछ एरिया जब फाइटिंग में टूट गया, इसी स्टोन को निकाल करके राइट साइड में जो बना है बिल्डिंग, ये ब्रिटिश टाइम का ये हॉस्पिटल हुआ करता था, अभी वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। तो ये कमाल का यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।